यहाँ पे जी तांगा आ रहा है, घुड़सवारी। ए केड़ा फल लगे अज? मौसमी मारता। अच्छा मौसमी ने। ये अब कच्चा रास्ता आ गया, ये रोड से जो हट के फिर कराता हूँ आपको सनराइज। काफी ज्यादा जो है इस पे मॉइस्चर है, वो गधा गाड़ी जा रही है, अभी तक पकड़ा हुआ फोकस। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो क्या हाल चाल हैं आपके? यार एक मॉर्निंग वॉक के व्लॉग के साथ मैं आ गया हूँ, और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेरे सामने बिल्कुल सनराइज हो रहा है। लुक एट देयर हाउ ब्यूटीफुल इट इज यार, बिल्कुल रोड के जो है सामने पैरेलल अगेंस्ट द रोड। तो मुझे लग रहा है आपको जो है ना यूनिवर्सिटी वाला लास्ट व्लॉग मैंने डाला वो आपको पसंद आ रहा है। यार अगर आपको व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो जाके चैनल को सब्सक्राइब किया करें, सब्सक्राइब के बगैर ना जाया करें, और लाइक भी कर दिया करें। अभी रोड पे ट्रैफिक है, सैटरडे का दिन है और मेरी यूनिवर्सिटी आज ऑफ है, तो मैंने कहा फिर मॉर्निंग वॉक की जाए और आपको भी जो है साथ ले कर जाया जाए। ओहो हो द सन इज राइजिंग, द क्रैक इज ब्रेकिंग। मेरे पीछे चेक करें, अभी मैं रनिंग स्टार्ट करने लगा हूं, 2.5-3 किलोमीटर भागना पड़ेगा, फिर एंड पॉइंट पे जाके जो है मैं रुकूंगा। भाई साहब इस रोड पे तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जो है डेंजरस है, ऐसे जो है ना बिल्कुल करीब से गाड़ियां जा रही हैं। और इधर चेक करें जी, और यहाँ पे जो है वो बिल्डिंग मटेरियल बन रहा है, वो ब्लॉक्स कंक्रीट के ब्लॉक्स बन रहे हैं। पाइल ऑफ सैंड, एंड देयर इज अ सन राइजिंग, रादर हैज राइजन। द ग्रुप ऑफ बर्ड्स हेडिंग टू देयर वे। यहाँ पे जी तांगा आ रहा है, घुड़सवारी। ये गांव में अभी भी ये चलते हैं।
लें जी, फाइनली मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका हूं। नॉर्मल रन करके आया हूं, बहुत ज़्यादा वो स्प्रिंटिंग नहीं की। तो जब भी मैं आता हूं, और ये जो है प्लेस, ये पेट्रोल पंप है, यहां तक मैं आके अपनी रनिंग को स्टॉप करता हूं। क्योंकि यार आज सुबह सुबह ही बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। आई थिंक सैटरडे है ना, तो लोग अपने अपने मतलब वीकेंड पे घरों पे वापस जाते हैं, वो जा रहे हैं। ये मेन हाईवे है, दो मेन शहरों को कनेक्ट करती है, गुजरात और सियालकोट को। ये जितनी भी आपको नज़र आ रही है ना ज़मीनें, ये फील्ड्स, ये सारी इन्होंने इसको काट कर ये रोड बनाया था। ये फर्स्ट टाइम रोड बना था ना, इसलिए कई जगह से ये रोड की जो ना हालत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये ट्रकिंग की वजह से भी ना, ट्रकिंग की वजह से भी यहाँ से ये ना देखें, ये रोड बैठ गया है। ये देखें यहाँ पे ना स्लोप बन गई है, ये चेक करें, ये ट्रकिंग आ रहा है ना, इस पर इसकी टर्बुलेंस चेक करें, मतलब ये पंपिंग कर रहा है ट्रक। मैं काफ़ी आगे आ चुका हूँ, थोड़ा सा हाफ के एम मैं आगे आ गया हूँ। तो अभी मैं यहाँ से रिटर्न करता हूँ। मैं वहाँ पे जाके आपको ग्रीनरी दिखा देता हूँ एक बार कि ग्रीनरी कैसी है। ये अब कच्चा रास्ता आ गया, ये रोड से जो हट के फिर रोड से सारे रास्ते निकलते हैं। अब यहाँ से मैं चेक कराता हूँ आपको सनराइज। ये बैंसू के पट्टे नहीं होते, चारा वगैरह उन्होंने लगाया हुआ। चेक करें, लुक एट द वेदर, लुक एट द व्यू ऑफ। इधर चेक करें, ये ग्रीनरी चेक करें। यस, ग्रीनरी को देख के एक बार माइंड जो है ना वो फ्रेश हो जाता है। चेक करें, वो आई थिंक पता नहीं कोई गन्ने वगैरह लगे हुए हैं, शुगर केन। और यहाँ पे अभी नई फार्मिंग हुई है, पता नहीं क्या लगाया उन्होंने, पट्टे लगाए होंगे। वो सामने आई थिंक कोई डेरा है, और ये है जी, ये आई थिंक किसकी फसल है, चावल की फसल है। ये देखे ना, ये इसके सिट्टे लगे हुए हैं ना, इसको स्टेम्स कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं अंग्रेजी में। और इसके ऊपर ना मिस्ट है, इन सिट्टू के ऊपर मिस्ट है, मिस्ट कह लें, वेट है, नमी है, मॉइस्चर है। वेदर जो है ना, विंटर वेदर चेंज हो रहा है अभी आस्ता आस्ता, तो फिर आस्ता आस्ता जो रात को मॉइस्चर गिरता है उसको क्या कहते हैं आप, वो इसके ऊपर जो है ना अभी मौजूद है। ये देखें मेरे हाथ, आप चेक कर सकते हैं, वेट हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा जो है इस पर मॉइस्चर है। वो गधा गाड़ी जा रही है, एक बार फिर चेक करें द व्यू ऑफ। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, मेरे मुंह से ना धुआं निकल रहा है, विंटर इज कमिंग। यार यहाँ पे बहुत खामोशी है, मतलब ये रोड से हट के अब थोड़ा सा भी पीछे जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा काम है, खामोशी है। क्या फोकस मार रहा है। यस, चेक कर रहे हैं फोकस, अभी तक पकड़ा हुआ फोकस, अभी तक पकड़ा हुआ, अब छोड़ दिया। यहां से चेक करें, अभी तक पकड़ा हुआ फोकस, अब यहां छोड़ दिया। अभी मैं यहां से वापस जा रहा हूं, रास्ते में जो मैं नर्सरी मिली है, नर्सरी में एंटर हुआ हूँ। और यहाँ पे चेक करें, इनके पास प्लांट्स, ये पाम का है, ये चेक करें,
ग्रीनरी चेक करें। चीड़ का पड़ा है, ये क्या लगा हुआ है, ये उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, अंजीर है आई थिंक। हाँ अंजीर है भाई साहब। कुछ कुछ चीजों का पता मुझे। ये चेक करें, ये भी पाम है। और वो भी पाम पड़ा हुआ है। पाम एक प्लांट है, इसकी बहुत ज्यादा आगे वैरायटीज हैं। आई हैव आल्सो ए ग्रीन थंब, पौधों का मुझे शौक है तो मैंने घर में बहुत ज़्यादा लगाए हुए हैं। आपने देखे होंगे ब्लॉग्स में, ये देखें यहाँ पे, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, पहले मुझे पता था भूल गया हूँ। ये सारे डेकोरेटिव प्लांट्स हैं, इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी। ये वाल पाम में से कहते हैं, हाँ वाल पाम, ये भी लगा हुआ है हमारे घर। उधर आ जाएं अगर तो ये भी पाम है, लुक एट देयर टीनी टाइनी प्लांट्स। ये चेक करें जी, ओ ब्यूटीफुल डैट फ्लावर इज। ये आम के हैं, आम 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 के आम, गुठलियों के दाम, सही बोला है। वो पता नहीं कौन से लगे हुए आगे भाई साहब। ये देखिए नार लगा हुआ है, ये इसके फूल हैं। ये प्लांट्स चेक करें, फ्लावर्स जी जी। ए केड़ा फल लगे आज, मौसमी मारता। अच्छा मौसमी ने, भाई साहब ये पपीते लगे हैं, ये भी कच्चे हैं। एरोकेरिया है, एरोकेरिया है। How green that plants are, one of the most beautiful plant ever, evergreen. This remains evergreen over the year. Ye check kare, भाई साहब 2.5 किलोमीटर में भाग के तेजी से वापस आया हूँ और अपनी हालत टाइट हो गई है। चेक करें यहाँ पे ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर है। मैं तो ट्रैक्टर के यार्ड में आ गया हूँ, यहाँ पे क्रेन क्या कर रही है, वेस्ट वेस्ट वगैरह जो है ना ट्राली पे रख रही है। ए हो गया, ये वेस्ट उठा रहे हैं बेंसू का। दिस इज अवर मेन जंक्शन ऑफ अवर सिटी। और अभी यहाँ पे आपको थोड़ी मैं सराउंडिंग दिखा दूँ। ये रोड अभी रिसेंटली बना है, ये कॉलेज है एस्पायर कॉलेज। स्वेटिंग देख सकते हैं आप मेरी, जाते वक्त तो वेदर ठंडा होता ना जना पता नहीं चलता, अभी धूप जो बहुत ज्यादा हो गई थी। तो ये अर्बन लॉन्ज है, रेस्टोरेंट है, ये है जी टाउन और गांव का मिक्स कल्चर।